हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो हमने स्टार्ट किया है उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर कार्ड ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट्स एन एंगल ऑफ सबट्रैक्ट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, 60 डिग्री एट द सेंटर। Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Minor and major sectors of the circle. Use pi is equal to 3.14. pi को हमने use करना है 3.14। ठीक है, and under root of 3 is equal to 1.73। तो पहले मैं figure बना लेती हूँ, फिर मैं आपको question समझाऊंगी। ठीक है, ये हमने सर्कल ड्रा किया, बीच में पॉइंट दिया ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ओ ए बी। ठीक है, ये है हमारे पास पॉइंट पी, ये है 60 डिग्री, ये है 15 सेंटीमीटर और ये भी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास माइनर सेगमेंट। क्या है ये? है हमारे पास माइनर सेगमेंट। और ये है हमारे पास मेजर सेगमेंट। क्या है? मेजर सेगमेंट। क्वेश्चन है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड सर्कल की जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। ठीक है, सबट्रैक्ट्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। हमने मेजर सेक्टर का भी और माइनर सेगमेंट का भी एरिया जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? ये मेजर है और ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, तो हमें इन दोनों का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? हमें रेडियस दिया हुआ है, वी हैव गिवन द रेडियस। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया हमें 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना है हमारे पास? थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, थीटा दिया हमारे पास 60 डिग्री। अब सो एरिया ऑफ सेक्टर,
सो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से सेक्टर का? ओ ए पी बी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास बेटा, यहाँ पर थीटा है हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो लगा लो फार्मूला, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री अपॉन ये है 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है लगाओ कितनी, 1.73 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है ना। रेडियस हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी बी कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 मीन 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लगा लो 1.73 इंटू आर स्क्वायर मीन 15 का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गई। चलो अब इसको करते हैं साल, पहले लिख लेते हैं थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 1.73 का 3.14, ठीक है, 314 3.14 है पाई की वैल्यू, 314 अपॉन 100 इंटू 50 इंटू 50, ये जीरो और ये जीरो कट गए, ठीक है। अब क्या काटेंगे, 6 1 6 6 6 36, ये भी कट गया। अब काटो 5 से, ठीक है, 5 3 15, 5 2 10, 0, ठीक है, ये भी कट गया। अब ये 5 और 4 दोबारा कटेंगे, 5 3 15, 5 4 20, 3 1 3, 3 2 6, तो क्या बच गया 314, ठीक है। अब ये 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, तो आ जाएगा 157 इंटू 3 अपॉन 4, कितना आएगा 157 इंटू 3 अपॉन 4। तो 157 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 471 अपॉन 4, 471 अपॉन 4, तो 471 को करेंगे 4 से डिवाइड, 471 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4, ठीक है, 7 28 तो हमारे पास आ गया 117.75, कितना आ गया 117.75। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, ओ ए पी बी, इस सेक्टर का एरिया आ गया हमारे पास 117.75, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अब ये हमारे पास जो ट्रायंगल है ओ ए बी, अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू है 1.73 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर मीन 15 का स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15। तो अब हम करेंगे 1.7 15 इंटू 15
ड्रॉइंग करेंगे पहले। वो आ गया 225। अब 225 को करेंगे 1.73 से। तो आ गया हमारे पास 38.2 के बाद पॉइंट है ना, तो 389.25 कितना आ गया, 389.25। ठीक है, 389.25/4। अब 389.25 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ठीक है, तो आ गया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ आ रही है ना, सबसे पहले हमने क्या किया है, एरिया ऑफ सेक्टर ओएपी भी निकाल लिया। ठीक है, वो आ गया हमारे पास 117.75। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी निकाला, वो आया हमारे पास 97.31। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, आ गई ना, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा, ओएपीबी माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएपीबी माइनस, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएपीबी। ओएपीबी का एरिया कितना है, 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो ओएबी का एरिया कितना है, 97.31। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई। अब एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, पूरे सर्कल का, तो एरिया ऑफ द सर्कल, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू है 3.14 × 15 × 15। वो हमने किया था 3.14 × 15 × 15 करके हमने देखा था कितना आया था, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया होगा एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द सर्कल है हमारे पास 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो है 20.44। ये ठीक है,
तो ये वाला इसमें से 706.5 में से हम 20.44 माइनस कर लेंगे, इज इक्वल टू 706.5 माइनस 20.44। अब इसको माइनस कर लेंगे हम, ठीक है। तो 706.5 में से हमें माइनस करना है 20.44, ठीक है। तो 10 में से 4 की 6, 786 आ गया हमारे पास। 786 आया, 686 कितना आ गया, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई, तो देखो अच्छी तरह, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सर्कल, अब
जो हमने एरिया निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे निकालना है, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम। एंगल एलओबी, एलओबी जो है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 60 डिग्री, बिकॉज ये पूरा जो है ये 120 डिग्री का है, तो एलओबी जो है वो 60 का होगा। इसी तरह एओएल जो है या एलओए वो भी 60 का होगा, ठीक है। 120 का टोटल है तो नेचुरली वो भी आधा होगा 60 का, ये भी 60 का होगा। तो एंगल एलओबी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब ओएल, ओएल अपॉन ओबी, ओएल अपॉन ओबी इज इक्वल टू, ओएल अपॉन ओबी इज इक्वल टू का 60 डिग्री, ठीक है, समझ आ गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, इट इंप्लाइज अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओएल के साथ कुछ भी नहीं, ओएल इज इक्वल टू ओबी का 60 डिग्री। तो ओबी कितना है हमारे पास 12, ठीक है, इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज ओएल इज इक्वल टू ओबी, ओबी कितना है हमारे पास 12 इंटू का 60 डिग्री की वैल्यू लगा लो 1/2, 2 2 2 6 12, इट इंप्लाइज OL is equal to 6, OL is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ गई यहां तक। उसके बाद हमने क्या करना है, LB upon OB, क्या है LB upon OB। अब LB upon OB is equal to sin 60 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इंप्लाइज LB is equal to OB साइन 60 डिग्री, ठीक है, OB साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब LB इज इक्वल टू, OB तो हमारे पास है 12, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू लगा लो अंडर रूट ऑफ 3/2, 12 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2, अब ये कट जाएगा 2 2 2 6 12, ठीक है, 2 2 2 6 12, इट इंप्लाइज LB is equal to 6 under root of 3 centimeter. अब हमारे पास OL भी आ गया है और LB भी हमने निकाल दी है, फाइंड कर ली है, ठीक है। Therefore AB जो है, अब जो AB है तो वो 2LB होगा ना, नेचुरली LB जो है वो AB का आधा है, तो जो AB होगा वो 2LB होगा, ठीक है। AB therefore AB is equal to 2LB, ठीक है, is equal to 2 into 6 under root of 3, is equal to 2 into 6 under root of 3, is equal to 12 under root of 3, ठीक है। AB हमारे पास कितनी आ गई, ये पूरी AB, ये आ गई हमारे पास 12 under root of 3। अब चलो, therefore area of segment, therefore area of segment, अब हमने सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, लेकिन माइनस क्या करना है 1/2 इनटू बेस इनटू आल्टीट्यूड भी करना है, ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है ना, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 यानी 120/360 इंटू पाई की वैल्यू लगा लो 1.7, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, ठीक है, दिस वन माइनस, अब 1/2 इंटू बेस इंटू आल्टीट्यूड ट्रायंगल का लगाना है, 1/2 इंटू 12 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 6, ठीक है, 1/2 इंटू 12 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 6, तो ये आ गया हमारा फार्मूला, ठीक है। ये जो ओएल है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो चलो निकालेंगे। अब हम 0 और 0 कैंसिल हो गए, 12 12 12 3 36 3 1 3 3 4 12, तो यहां बचा हमारे पास 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस, यहां पे क्या बचेगा 2 1 2 2 3 6, तो ये आ जाएगा 12 3 36 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है।
बाय टू इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व के साथ अंडर रूट ऑफ थ्री की वैल्यू पुट करनी है 1.73 इंटू थ्री, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो चलो इक्वल टू 3.14 इंटू 12, 4 जार 48 माइनस यहां पे आ जाओ 1/2 इंटू 12 इंटू 1.73 इंटू 12 2076 कितना आ गया 2076 इंटू थ्री। ठीक है, 1/2 इंटू 2076 इंटू थ्री 1/2 हाँ 1/2 इंटू 12 अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू सिक्स। ठीक है, अब हम इसको 3.14 को 48 से करेंगे। हमारे पास 150.72 ये आ गया हमारा 3.14 और 48 को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब हमने करना है मल्टीप्लाई 12.173 को और 2076 इंटू थ्री 20.76 इंटू थ्री। तो अब हम करेंगे 20.76 को थ्री से ये आ जाएगा 62.28 कितना आ जाएगा -62.28। अब हम 150.72 में से 62.28 को माइनस कर देंगे 150.72 -62.28 4 तो आ गया हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल जो हमने ये निकाला है। ठीक है, तो आप लोग देखो फिर नेक्स्ट करेंगे। A horse is tied to a peg. A horse is tied
टू ए पेग, ठीक है, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास, स्क्वायर शेप्ड, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड, ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, ठीक है। अब कहते हैं बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर, बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमने क्या करना है, एक फील्ड बनाना है, ठीक है। ये जैसे ये मान लिया ये हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, घास लगी हुई है, क्या लगी हुई है, घास लगी है, ठीक है, समझ आ गई। तो यहां पर क्या है, घोड़ा है, ठीक है। अब मुझे घोड़ा का बनाना नहीं आता, मैं ऐसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, आपको समझ आना कि ये हॉर्स ही है, ठीक है। चलो, तो यहां पर घोड़ा है, ये घोड़ा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, घास खा रहा है, ये घोड़ा है, ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हॉर्स है, ठीक है, समझ गए, ये हॉर्स है। अब अगर मैं पेंटिंग करती रहूंगी और घोड़ा बनाती रहूंगी ना, तो सारा टाइम घोड़ा बनाने में ही लग जाएगा। घोड़ा तो आपको दिया होगा पिक्चर में, ठीक है, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ आप लोगों को फिगर भी दी हुई होगी, ठीक है। तो चलो, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। दूसरा आ गया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, इफ द रोप वर, इफ द रोप वर, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है, समझ आ गई। अब कहते हैं यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, अब पाई को हमने कितना यूज कर रहे हैं, 3.14, ठीक है। तो समझ आ गया आपको क्वेश्चन की, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्केल शेप फील्ड। अब ये स्केल शेप फील्ड है, यहाँ पर हॉर्स जो है वो क्या कर रहा है, बंधा हुआ है, ठीक है, फील्ड, अब साइड 15 मीटर, अब साइड जो है स्केल की दी हुई है हमें 15 मीटर। अब कितना है, बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, रोप की लेंथ भी दी हुई है 5 मीटर, कितनी दी हुई है 5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमने उस फील्ड का एरिया निकालना है जहां तक, मीन्स इतना बड़ा स्केल फील्ड है, सभी जगह जो है वो घास लगी है, लेकिन हॉर्स की जो रस्सी है वो तो 5 मीटर की ही है ना, ठीक है, तो हॉर्स जो है वो पूरी जगह फील्ड पे जाके तो ग्रेज नहीं कर सकता, घास नहीं खा सकता। तो हमें उस एरिया, वो एरिया निकालना है जहां तक वो जो हॉर्स है वो घास खा सकता है, ठीक है, समझ आ गई। चलो फिर, चलो, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक है, लेंथ ऑफ द रोप जो है, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर रेडियस ऑफ द सेक्टर ग्रेज्ड बाय
रेज्ड बाय हॉर्स, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ 5 मीटर. लेंथ ऑफ द रोप कितनी है? 5 मीटर. तो ये 5 मीटर के बराबर हो जाएगा. समझ आ गई? एक एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है. ये एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ऑफ द सेक्टर है हमारे पास 90 डिग्री. एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, आप क्या निकालना है? एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, तो वो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द फील्ड आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, आ जाएगा 3.14. तो रेडियस कितना है हमारे पास? आर कितना है हमारे पास? 5, ठीक है. 5 × 5 इंटू थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. तो यहां से 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे. 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36. यहां तक पता चल गया, हमने काट दिया, ठीक है. फिर 2 से कटेगा ये, 2 × 2 = 4, 2 = 1.57 आ जाएगा यहां पर काट के. तो अब हमारे पास क्या बचा? 1.57 × 5 × 5 इज इक्वल टू 1.57 × 5 × 5 / 2. तो अब 1.57 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 5 के साथ, ठीक है. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.25 upon 2. अब इसको डिवाइड करना है 39.25 को 2 के साथ, तो वो आ जाएगा 19.625. तो ये बना हमारा एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, यानी हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड. अब हमें निकालना है पार्ट नंबर सेकेंड, वो है एरिया लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज बाय. अब क्या है? लेंथ ऑफ द रोप जो है वो इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम 5 to 10, ठीक है. इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. पहले उन्होंने जब हॉर्स को बांधा हुआ था तो उसकी रोप की लेंथ जो है वो 5 मीटर तक ही रखी हुई थी, ठीक है. अब उसी एरिया में हॉर्स ग्रेज कर सकता था, लेकिन अब क्या किया उन्होंने? थोड़ा उन्होंने तरस खाया, उन्होंने सोचा नहीं हॉर्स को थोड़ा और ग्रेज करने दो. तो उन्होंने क्या किया? रोप की लेंथ बढ़ा दी, ठीक है. रोप की लेंथ जो है 5 से 10 मीटर कर दी. तो अब हमने बताना है कि वो कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है. पहले तो फिर लिमिटेड एरिया था ना, 5 मीटर तक रोप थी, ठीक है. सपोज 5 मीटर तक रोप थी, वो इतने ही जितनी रोप थी उतना ही ग्रेज कर सकता था. अब उन्होंने रोप बढ़ाई तो उसका एरिया भी बढ़ेगा नेचुरली, ठीक है. समझ आ रही है ना? अब वो निकालना है हमने. अब लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज फ्रॉम लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज फ्रॉम कहां से? लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज फ्रॉम 5 मीटर to 10 मीटर. 5 मीटर से रोप जो है अब वो 10 मीटर पे चली गई है, ठीक है. न्यू रेडियस ऑफ सेक्टर ग्रेज बाय हॉर्स, अब न्यू रेडियस बन गया. न्यू रेडियस ऑफ सेक्टर ग्रेज बाय हॉर्स, तो अब जो न्यू रेडियस बनेगा वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 10 मीटर, ठीक है. न्यू रेडियस 10 मीटर बन जाएगा. अब न्यू रेडियस तो हमने बता दिया 10 मीटर, अब एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, देयरफॉर एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स. अब हॉर्स कितने एरिया पे ग्रेज कर सकता है वो हमने बताना है, तो वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, यही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. बात तो वही है, सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है, ठीक है. सब कुछ वही है, ऐसे ही लगेगा. 3.14 × 5 की जगह आएगा 10, और यहाँ पर 90 डिग्री / 360 डिग्री. सिर्फ रेडियस चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है. अब यहां से कट सकते हैं 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36.
जीरो कट गए। अब 4 9 10 are 90 9 4 are 36, ठीक है, 2 2 are 1.57 आ जाएगा इधर, तो हमारे पास बच गया 1.57 into 10 into 10, ठीक है, अपॉन 2, यानी 1.57 into 100 upon 2, तो 1.57 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से करेंगे नेचुरली क्या आएगा, 1.5700 बन जाएगा, तो पॉइंट इधर लग जाएंगे, 157 बन जाएगा अपॉन 2, तो 157 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 78.5 cm². 78.5 cm². अब हमने क्या करना है, एरिया इंक्रीज, कितना एरिया इंक्रीज हुआ, देयरफॉर एरिया इंक्रीज कितना हुआ, पहले कितना था और अब कितना है, अब हम 78.5 में से माइनस कर लेंगे, क्या माइनस करेंगे, जो पहला एरिया है हमारे पास 19.265, 78.5 माइनस 19.625, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 78.5 में से हमने माइनस करना है 19.625, तो इधर जीरो जीरो आ जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4, 8, तो हमारे पास आ गया 58.875, कितना आ गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया है ये इंक्रीज हुआ, जो हाफ जो है वो आप ग्रेस कर सकता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अभी हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे, थैंक यू।